दोस्तों, क्या आपने मोबाइल के जियो 4G को 5G में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं? आप जब 5G में कन्वर्ट करने जाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और आपका 5G में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हैंडसेट 5G सेटिंग जो है आपका अनेबल नहीं है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे जो नीचे दिया है गो टू सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फिर कह रहा करने के लिए, यहाँ पर मैं फिर अगेन गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने दिखा रहा हूँ सब कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा फर्स्ट स्टेप दिखाई देगा, सेकेंड दिखाई देगा, थर्ड दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकेंड कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर का था आई हैव अपडेटेड पे क्लिक कर लिया, लेकिन चौथा ऑप्शन नहीं टिक हो रहा है हैंडसेट 5G सेटिंग। आपको यहाँ पे नीचे जो दिखाई दे रहा है गो टू सेटिंग्स, आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये चीज आपके फोन के सेटिंग में आएगा। आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है सिम कार्ड से मोबाइल नेटवर्क, आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पे जियो जहाँ होगा जियो सिम पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, आप प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक कर लीजिए। आपको मैं यहाँ पे प्रीफर 5G, प्रीफर LTE होगा, 4G, 3G, 2G ऑटो होगा। आपको देख लेना है कि आपका ये जो टिक है किस पर है। अगर आपका 4G, 3G, 2G ऑटो पे है तो इसे प्रीफर 5G पे कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर प्रीफर LTE पे है तो आप प्रीफर 5 पे कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपका प्रीफर 5G पे टिक है तब पर भी आप कैम में हैंडसेट 5G जो सेटिंग है जियो का वो अनेबल नहीं है, ब्लूटिक नहीं हो रहा है, तो आप घबराइए नहीं। आपके लगे एक ऑप्शन है कि आप जो है कस्टमर केयर को कॉल करके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, हम भी कस्टमर केयर को कॉल किए थे। उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कहा कि आपके एरिया में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे इस समय जियो का 5G नेटवर्क नहीं चल रहा है। जब आपके एरिया में 5G नेटवर्क चलने लगेगा तो आपका जो 4G नेटवर्क है ये ऑटोमेटिक 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में भी इस तरीके से ही दिखाई दे रहा है कि हैंडसेट 5G सेटिंग अनेबल नहीं हो रहा है, तब घबराइए नहीं, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। आपके मोबाइल में भी जो ये जियो 4G है, जब आपके यहाँ 5G आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका 5G नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ब्लूटूथ शो हो जाएगा।